बात अर्ज करना चाहता हूं कि एक और शायर को आपके बीच पेश करूं। इससे पहले एक नाम मुझे अभी दिया गया, दिल्ली से हमारे बीच एक बच्चा यहां ये आए हैं, कार्तिक इनका नाम है। वीर रस में अपनी कविताएं सुनाते हैं। जाहिर है कि मुशायरा जो मेला गोगाल का मुशायरा है, इसमें आप सब शोरा आप सब सामईन इकराम के बीच में अपना कलाम पेश करना कार्तिक के लिए बहुत ही सआदत की बात है। इन्हें इजाजत दें कि ये अपने वीर रस की कोई छोटी सी कविता आपके खिदमत में पेश करें। मैं इनसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एम आजाद अंसारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच से बोलने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मैं वीर रस की कविता लिखता हूं और आपके समक्ष उसे पढ़ना चाहता हूं। कि मेरे भीतर आज क्रोध की ज्वाला है, मेरे भीतर आज क्रोध की ज्वाला है, मेरे भीतर आज क्रोध की ज्वाला है, मेरे दिल में आज धसा एक भाला है। आज मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, आज मैं अपने दिल को कैसे बहलाऊं, आज मैं अपने दिल को कैसे बहलाऊं। भारत की सीमा पर जो तैनात हैं, भारत की सीमा पर जो तैनात हैं, देखते नहीं दिन वो ना वो रात हैं, देखते नहीं दिन वो ना वो रात हैं। हमारे जवान ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सर्दी गर्मी बरसात देखते हैं, और हर समय हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं सीमा पर। मैं उनके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। के भारत की सीमा पर जो तैनात हैं, देखते नहीं दिन वो ना वो रात हैं, भारत माँ की सेवा में तत्पर हैं वो, प्राण भी अपनी देने को तत्पर हैं वो, प्राण भी अपनी देने को तत्पर हैं वो। ऐसे वीरों की दुर्दशा होती है, ऐसे वीरों की दुर्दशा होती है, कश्मीर को देख भारत माँ रोती है, वीर हमारे गुमसुम चुप रह जाते हैं। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो आपकी तालियों का समर्थन चाहता हूं। कि वीर हमारे गुमसुम चुप रह जाते हैं, कश्मीर के थप्पड़ में खा जाते हैं, कश्मीर के थप्पड़ में खा जाते हैं, रोज रोज अब उनकी लाशें आती हैं, रोज रोज अब उनकी लाशें आती हैं, तीन रंग में लिपटी अर्थी आती है, देश में कैसी बैठी ये सरकार है, श्रद्धा सुमन चढ़ाती ये हर बार है, श्रद्धा सुमन चढ़ाती ये हर बार है, श्रद्धा सुमन चढ़ाती ये हर बार है। और वो तो ऐसे हड़काए भेड़िए हैं जो हमारे वीरों के, हमारे सैनिकों के सिर तक नहीं छोड़ते हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। कि वे वीरों के मस्तक तक खा जाते हैं, वे वीरों के मस्तक तक खा जाते हैं, हम खबरें सुनकर बस चुप रह जाते हैं, तस्वीर लगाकर मोमबत्तियां जलाते हैं, क्या इसीलिए वो अपने प्राण गंवाते हैं, क्या इसीलिए वो अपने प्राण गंवाते हैं। मेरी विनती है भारत सरकार से, मेरी विनती है भारत सरकार से, कर भद्द निवेदन है भारत सरकार से। और मेरी जो विनती है, यदि आपको अच्छी लगे तो दिल्ली तक मेरी विनती आपके द्वारा पहुंचनी चाहिए। मेरी विनती है मोदी सरकार से, कर बद्ध निवेदन है भारत सरकार से, बुलेट प्रूफ वर्दी दो देश के वीरों को, रक्षा दो भारत के कीमती हीरों को, रक्षा दो भारत के कीमती हीरों को, रक्षा दो भारत के कीमती हीरों को। चिंता नहीं है मुझको मेरे प्राण की, चिंता नहीं है मुझको मेरे प्राण की, फिक्र है मुझको वीरों के बलिदान की, वीर हमारे भारत माँ के प्राण है, इसीलिए हिंदुस्तान मेरा महान है, इसीलिए हिंदुस्तान मेरा महान है, इसीलिए हिंदुस्तान मेरा महान है। व्यर्थ न जाए वीरों के बलिदान कभी। अंतिम पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं और आपकी तालियों का समर्थन चाहता हूं। के वीर हमारे व्यर्थ न जाए वीरों के बलिदान कभी, व्यर्थ न जाए वीरों के बलिदान कभी, इसीलिए तुम करो युद्ध ऐलान अभी, उस दिन शहीदों को मुक्ति मार्ग मिल जाएगा, जिस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना साथियों, कार्तिक जो दिल्ली से आए हैं, चलिए कार्तिक ने